हेलो दोस्तों, मैं प्रसन्न मैचल अकेडमी में आपको स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट कि आप पेटीएम में कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे केवाईसी कर सकते हैं, कैसे एयरटेल में पेमेंट बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, काफ़ी सारा वीडियो पहले से यूट्यूब पर अपलोड होगा कि पेटीएम में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, मगर जब जितना टाइम चलता है कोई भी एप्लीकेशन वैसे वैसे नया नया अपग्रेड लेकर आता है। तो पेटीएम भी एक ऐसा एप्लीकेशन है, हर टाइम कुछ ना कुछ नया अपग्रेड लेकर आता है। तो जो 2021 में नया अपग्रेड था, तो अभी 2022 में उसका अपग्रेड चेंज हो गया, उसका वर्जन चेंज हो गया, तो कुछ नया तरीके से पेटीएम स्टार्ट हो रहा है। तो उसको अगर आप अभी पेटीएम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। जब भी नया अपग्रेड में मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आपको एक पेटीएम अकाउंट में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे कंप्लीट केवाईसी कर सकते हैं, कैसे इसमें एक एयरटेल पेमेंट बैंक भी ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सके। तो चलते मोबाइल में, मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा कि पेटीएम में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम में एक अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है। आपको पता है 2022 में कुछ नया, बहुत सारा अपग्रेड नया आ चुका है पेटीएम में। तो हम आज बात करेंगे कि पेटीएम में कैसे आप एक अकाउंट नया क्रिएट कर सकते हैं, उसमें केवाईसी भी कर सकते हैं और उसमें आप एक पेमेंट बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो आपको पेटीएम पे एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो आप जाइए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पेटीएम का एक डाउनलोड लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करके आप पेटीएम को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप पेटीएम को ओपन कर लीजिए। जब आप पेटीएम का ओपन हो जाएगा तो आपको आपका नंबर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, जो नंबर आपका है। तो हम अलाउ कर लीजिए कुछ, जब अलाउ कर लीजिए प्रोसीड टू, आपको कौन सा सिम है, तो मेरा सिम 1 है तो मैं प्रोसीड करता हूँ। आपको ध्यान रखना है जो मोबाइल पर आपने अकाउंट क्रिएट करे वो मोबाइल पर वो सिम होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, तो अब ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है और ये देखिए, आप यहाँ क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। अब क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करिए, एक आपका आपका जो भी पेटीएम में अकाउंट है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, लिंक माई बैंक अकाउंट, आई विल लिंक वे अकाउंट लेटर, तो हम क्लिक कर देखेंगे। इसमें बहुत सारा काम है, हमको भी केवाईसी करना है। तो केवाईसी करने के लिए आपको आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नियर जॉब कार्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पहले हम स्किप कर लेते हैं, पहले हम देखते हैं हमारा अकाउंट बिल्कुल तैयार हो गया कि नहीं। तो हमारा अकाउंट बिल्कुल तैयार है, तो आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट बिल्कुल तैयार है, एक हमारा जो भी अकाउंट है वो तैयार है। अभी हमारा अकाउंट तैयार हो चुका है, अभी हम इसमें केवाईसी करेंगे, जो भी आपका नाम फॉर्म है वो नाम डालेंगे। अभी हमारा पेटीएम का अकाउंट ओपन हो चुका है, अभी हम इसमें एक पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे और केवाईसी करेंगे। देखिए, जब भी आप पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप केवाईसी करना चाहते हैं तो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कर लीजिए, तो अपना केवाईसी हो जाएगा। तो हम चलेंगे पेमेंट बैंक पे, आपको पेमेंट बैंक अकाउंट पे जाना है। जब भी आप पेमेंट बैंक अकाउंट में जाएंगे तो 0 बैलेंस अकाउंट, 2.5% इंटरेस्ट, जो भी फैसिलिटी आपको मिलने वाला है, फ्री डिजिटल डेबिट कार्ड, ऑल ऑनलाइन शॉपिंग, डेबिट ATM कार्ड और रुपए प्लैटिनम बेनिफिट। तो आपको ATM कार्ड आपको घर पर भी आ सकता है और ATM कार्ड आपका फिजिकली यहाँ पर डिजिटल भी मिल सकता है। तो ओपन योर सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जब भी हम ओपन सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं कुछ पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर, तो परमिशन देना पड़ेगा, जो भी परमिशन आपका है मोबाइल नंबर, परमिशन देना पड़ेगा। आई विल डू लेटर, आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप नॉमिनी को ऐड कर लीजिए यहाँ पर और जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो उसको ओपन कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ पर KYC का ऑप्शन अपना आ चुका है। आप देख सकते हैं KYC करने के लिए आपको KYC का ऑप्शन अभी यहाँ पर आ चुका है। तो आप कौन सा क्या देखे KYC करना चाहते हैं, तो आप जैसे कि मैं पैन या आधार कुछ भी देखे KYC कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली आधार देखे KYC करता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट है और मैं इसमें आगे चलाना चाहता हूँ। तो मैं आपका जो भी आधार नंबर है वो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फुल नेम आधार पर जो भी नाम है पहले, मैं वो यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। जैसे ये आ चुका है तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं और कंटिन्यू पे एक्टिव में वॉलेट करते हैं। तो एक वन टाइम पासवर्ड आएगा तो ऑटो फिल करते हैं, जो पासवर्ड आएगा वो ऑटो फिल हो जाएगा। तो फॉर ऑटो फिल हो चुका है और कन्फर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक्टिव में वॉलेट, तो यहाँ पर मंथली जो ट्रांजैक्शन है पर लिमिट 10,000 हो चुका है। तो सेंड मनी और ट्रांसफर मनी टू कर सकते हैं, मेंटेन बैलेंस अप टू 1,00,000 कर सकते हैं, ओपन सेविंग। तो अपग्रेड योर अकाउंट नाउ पे क्लिक करेंगे। जब भी हम अपग्रेड योर अकाउंट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो KYC का ऑप्शन यहाँ पर आएगा।
तो वीडियो केवाईसी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ वीडियो केवाईसी कैसे होता है। तो आपको पहले प्रिपरेशन होना पड़ेगा। आप विजिट नियर भी केवाईसी स्टोर जा सकते हैं और विजिट टू वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। तो हम पहले आप वीडियो केवाईसी हम कंप्लीट करते हैं। जो भी हमारा अकाउंट अभी ओपन हो चुका है, केवाईसी हो चुका है, तो केवाईसी कन्फर्मेशन करने के लिए आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। तो उसके लिए पेटीएम पेमेंट बैंक चलते हैं और जो अकाउंट पे चेक अकाउंट करते हैं और ये जो पेमेंट बैंक बैंक पासपोर्ट सेट नॉमिनी डिटेल्स सेट तो केवाईसी पेंडिंग, तो केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपग्रेड योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन है तो रिकमेंडेड वीडियो केवाईसी पे चलेंगे तो और यहाँ पर आधार नंबर फिर से एंटर करेंगे। तो मैं आधार नंबर यहाँ पर फिर से एंटर कर लेता हूँ और जो भी आधार नाम में मैं नाम फिल और एग्री पे करके प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो आधार कार्ड का जो प्लीज ओटीपी आधार मोबाइल नंबर, तो हम जो भी मोबाइल नंबर आधार पे लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा, इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी जो आधार मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल का ओटीपी एंटर करें तो आपका यहाँ पर सारे डिटेल्स ओपन हो चुका है। तो आपका डेटा आप सारे कुछ सिलेक्ट कर लीजिए और आप प्रोफेशनल कुछ भी आप जो भी आपका है तो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। तो चलते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप इसमें आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलेंगे, आपका जो भी आपका नाम है, फादर नेम मदर नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। मैं पहले एंटर कर लेता हूँ सारा। जो आपका फादर नेम मदर नंबर एंटर कर लीजिए, यहाँ पर आप जो भी टर्म एंड कंडीशन से ओके करके प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए। अभी आपका जो भी केवाईसी कंप्लीट हो और एंटर पैन कार्ड, आप एंटर पैन कार्ड कर सकते हैं। आप पैन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पैन नंबर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप लेटर कर सकते हैं, बाद में आप पैन कार्ड ऐड करते हैं। तो आई हैव नॉट पैन कार्ड, तो हम क्लिक करते हैं तो पैन कार्ड इज केवाईसी कंप्लीट वीडियो केवाईसी। तो ये बोल रहा है कि आपको कंटिन्यू विद पैन कार्ड, तो आपको पैन कार्ड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो आपको पैन कार्ड एंटर कर सकते, नहीं तो आप अगर पैन कार्ड आपके पास है नहीं तो आप कुछ भी इनकम यहाँ पर तो यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो मैं कुछ इनकम शो करके कंफर्म करता हूँ और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो, अगर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड डाल दीजिए तो आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पे चलेंगे और अपने नाम पे चलेंगे और जो केवाईसी पेंडिंग है वो थोड़ी दिन बाद आपका जो भी केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले चेक करते हैं। तो यू कीप योर पैन कार्ड रेडी फाइंड ऑलरेडी क्विट गुड इंटरनेट कनेक्शन, तो सेट माई वीडियो वेरीफिकेशन। तो हमारे जब भी हमारे पास आ जाएगा पैन कार्ड तो हम पैन कार्ड एंटर करेंगे। तो ओरिजिनल पैन कार्ड रेडी, तो हम ओरिजिनल पैन कार्ड है तो आपका वाईफाई इंटरनेट है तो विल द क्विल प्लेस। तो आप सारे कुछ सिलेक्ट करके सेट वीडियो के वाई सी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी वीडियो के वाई सी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आप अपना वीडियो के वाई सी कंप्लीट कर सकते हैं और एक अपना जो भी पेटीएम में के वाई सी वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था एक वीडियो कि आप कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे के वाई सी कर सकते हैं, कैसे पेमेंट बैंक में अकाउंट भी ओपन कर सकते। तो ये मेरा पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन है, बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन है। तो जब भी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पेमेंट बैंक अकाउंट भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जब आपको मैं बता दिया, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो आप पहले पैन कार्ड को ओपन कर लीजिए। जब भी आप पैन कार्ड को ओपन करेंगे फिर जाकर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट होगा। तो आप पहले पैन कार्ड ओपन कर लीजिए फिर जाकर वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर जाइए, फिर से जो भी आप एंटर कर चुके हो सेट में वीडियो वेरिफिकेशन ये तीनों को टिक करिए, प्रोसीड करिए तो आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जब भी हमारा पैन कार्ड आया जाएगा तो मैं भी वीडियो केवाईसी करके आपको बता दूंगा, तो आप उस टाइम भी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करके देख सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो, कैसे पेटीएम में अकाउंट क्रिएट किया जाता है, कैसे केवाईसी किया जाता है और कैसे पेटीएम में पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन किया जाता है। जब भी पेटीएम में क्या कुछ भी नया अपडेट आएगा या कुछ नया भी प्रोमो कोड वगैरह आएगा या कुछ भी नया अपडेट आता है पेटीएम में तो हम पहले अपने चैनल पे इस वीडियो को बना के अपलोड करेंगे। अगर आपको आगे भी पेटीएम के बारे जानना है या पेटीएम में कुछ नया अपडेट के बारे में जानना है या पेटीएम से कैशबैक ऑन करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिया होगा, क्योंकि जब भी कोई कैशबैक वाला ऑफर आएगा या नया अपडेट आएगा तो हम हमारे चैनल में पहले वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप पास जाए और आप वो वीडियो को पहले देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।